हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। और गाइज, आज के जमाना तो पूरा डिजिटल हो चुका है, वो हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। तो गाइज, आज के जमाना में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया कंप्यूटर, क्योंकि आज के जमाना कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, कंप्यूटर में एक सबसे अहम पार्ट होता है जिसको हम माउस बोलते हैं, और ये है, ये देखिए हमारे पास एक माउस है। तो गाइज, आपने कभी भी ये मतलब सोचा होगा कि ये माउस के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है? तो अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आज आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम है ना माउस को खोल के दिखाने वाले हैं यार। तो खोलने से पहले ना आप हमारे वीडियो को है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए हमारे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो गाइस, ये हमारे पास है कंप्यूटर माउस, तो हम इसको खोल के देखेंगे और क्या होता है। इधर तो मुझे स्क्रू वगैरह इसमें नहीं दिख रहा है, शायद यहाँ पे होगा ये। तो गाइज, फाइनली ये माउस खोल लिया है और इसमें देखिए एक छोटा सा सर्किट बोर्ड है। ये देखिए गाइज, ये छोटा सा सर्किट बोर्ड है, आप इसको मदरबोर्ड भी बोल सकते हो। और यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगी हुई है और इसको भी हम खोलेंगे यहाँ से। गाइज, खुल गया यार। ये देखिए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैंने सोचा था कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ होगा। और गाइज, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक लेंस है और ये है यहाँ पे एलईडी लाइट लगा हुआ है, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, मतलब ये फाइबर का रिफ्लेक्टर है, और ये होता है यहाँ पे ऐसा लगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसा लगा होता है। और ये जो लाइट है, एलईडी लाइट जो है ना, वो ये लाइट पे यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट यहाँ पे जाता है, और यहाँ से लाइट डायरेक्ट ये लेंस में आता है, तो माउस आइडेंटिफाई कर लेता है कि मतलब किधर मूव होना है किधर नहीं मूव होना है, तो वो डिजिटली वो दिखा देता है। यहाँ पे देखिए तीन स्विच है, ये देखिए, ये एक दो तीन, पोटेंशियल मीटर जैसा लगा हुआ है, या जो कि यहाँ पे व्हील इसमें कनेक्ट होता है ऐसा। ये देखिए व्हील ऐसा कनेक्ट हो गया, और एक क्लिक है ना, व्हील का एक क्लिक यहाँ पे जाता है। ये देखिए व्हील, जैसे ही मतलब हम माउस को ऐसा ये रोलर घुमाते हैं फिर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी एक बटन लगा हुआ है जो व्हील का आउटसाइड में है। तो गाइस फाइनली देखिए, ये माउस का राइट क्लिक है और ये लेफ्ट क्लिक है। जब भी हम माउस को प्रेस करते हैं सिलेक्शन के लिए तो लेफ्ट क्लिक का यूज होता है, और ऑप्शन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक का यूज होता है। और यहाँ पे देखिए, ये माउस का जो यूएसबी वायर है, यहाँ पे चार वायर है, ऑरेंज है, ग्रीन है, और येलो है, और ब्लू है। ये वायर है चार, और ये यूएसबी जो होता है यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होता है। और गाइज, आप बोल सकते हो कि ये माउस का मदरबोर्ड है, पूरा खेल जो है ना पूरा खेल इसमें ही है यार। चीजें ज्यादा दिख नहीं रहा यार, इसमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा, सिर्फ एक कैपेसिटर दिख रहा है, एक एलईडी है, ज्यादा है नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि इसमें बहुत कुछ होगा ज्यादा, बट इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज है ना, फाइनली ये स्विच पे प्रेस होता है, ये स्विच पे ये ऐसे होता है, ये ऐसा फिट हो जाता है, ये देख सकते हो आप। फिट होने के बाद वो बराबर काम करता है, ये देखिए। तो गाइस फाइनली हमने कंप्यूटर माउस को खोल के दिखा कि इसके अंदर होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें चीजें क्या क्या होती है। तो फाइनली आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजा दो ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलते रहे और हम इससे भी उम्दा वीडियो बनाते रहे आपके लिए, आपको एंटरटेन करते रहे और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे, वो भी हम सिर्फ आपके वजह से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।